एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खबर कुंडा इलाके से, जहां भगवान श्री रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कृपाल धाम मनगढ़ में रामोत्सव का आयोजन किया गया। भक्ति परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी के नेतृत्व में भगवान श्री राम के विग्रह का अभिषेक किया गया। सत्संगियों संग भगवान श्री राम की आरती उतारी गई। आरती के बाद भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। सत्संगियों ने भगवान की पालकी को अपने कंधे पर उठाकर पूरे भक्ति धाम परिसर में शोभा यात्रा निकाली। दोपहर से शुरू हुए रामोत्सव में राधे राधे जय संग सिया राम के घोष गूंजते रहे। इस मौके पर इलाके के तमाम श्रद्धालु भी शामिल हुए। भव्य शोभा यात्रा के बाद देर शाम तक मनगढ़ धाम को दूध या रोशनी से नहला दिया गया और यहां की भव्यता देखते ही बन रही थी। वहीं दूसरी तरफ कुंडा के काली मंदिर के पास भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत किया और डीजे के डांस और रामधुन पर वह गाते नाचते नजर आए। इसके साथ ही साथ यहां पर आतिशबाजी भी की गई और आतिशबाजी के दौरान इलाके के तमाम लोगों ने दीपावली जैसा उत्सव मनाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां भगवान श्री राम लला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही मंदिरों की हुई सजावट, लाइव प्रसारण के लिए लगाई गई टीवी, जगह जगह निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, हजारों की संख्या में भक्त हुए शामिल। बता दें तस्वीरें प्रतापगढ़ सदर इलाके के विभिन्न क्षेत्रों की है, जहां कोहड़ोर में एक तरफ भव्य शोभा यात्रा भाजपा नेता दिनेश जोशी के नेतृत्व में निकाली गई और भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता की आरती उतारी गई, तो वहीं दूसरी तरफ प्रतापगढ़ शहर के चिलबला में सदर विधायक द्वारा लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर साफ सफाई की गई। इसके अलावा पूजा अर्चना करने के साथ साथ इलाके के कई भव्य शोभा यात्राओं में उन्होंने शिरकत किया और जगह जगह दीपावली जैसा उत्सव मनाया गया। इसके साथ ही भक्त भगवान श्री राम के धुन पर नाचते गाते नजर आए। प्रतापगढ़ शहर से लेकर चिलबला तक को सजाया गया और जगह जगह आतिशबाजी भी की गई। नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सोमवार को पूरे दिन सभी मंदिरों के पट खोले गए थे और मंदिरों पर तमाम राम भक्त सुबह से ही पहुंच गए थे और धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गए। नतीजा रहा कि भोर से लेकर शाम तक मंदिरों पर जय श्री राम के जयकारे लगाए और यहां पर श्रद्धालुओं द्वारा भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट भी देखा गया। जगह जगह आतिशबाजी की गई। इस दौरान आने जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई। लगातार जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इसकी मॉनिटरिंग भी करते रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां प्रसूता की मौत के मामले में नर्सिंग होम का लाइसेंस किया गया निरस्त। बता दें कि सीएमओ ऑफिस से चंद कदम की दूरी पर अनम नाम से चल रहे नर्सिंग होम और उसके अल्ट्रासाउंड का लाइसेंस सीएमओ ने सोमवार को जांच रिपोर्ट मिलने के बाद निरस्त कर दिया। अब इसी रिपोर्ट पर नगर कोतवाली पुलिस FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि कंधई थाना क्षेत्र के आसलपुर निवासी सत्यम चौरसिया की पत्नी खुशबू को प्रसव पीड़ा होने पर 5 जनवरी की शाम राजा प्रताप बहादुर चिकित्सालय के गेट के पास स्थित अनम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां ऑपरेशन से बेटा पैदा होने के बाद खून चढ़ाते समय खुशबू की मौत हो गई तो अस्पताल वाले ताला बंद कर भाग निकले। परिजन शव साथ लेकर हंगामा करने लगे। पुलिस और सीएमओ कार्यालय की टीम ने पहुंचकर अस्पताल सील कर दिया। परिजनों नगर कोतवाली में FIR लिखने की तहरीर दी। पुलिस ने उक्त तहरीर सीएमओ कार्यालय भेज दी। सीएमओ ने डिप्टी सीएमओ डॉक्टर आजाद अहमद, डॉक्टर विनीता सिन्हा, RP सिंह और अपर शोध अधिकारी RG चौधरी की टीम को जांच सौंपी थी। सोमवार को जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट सीएमओ को सौंपी। सीएमओ डॉक्टर GM शुक्ला ने बताया कि उक्त रिपोर्ट के आधार पर नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड के लाइसेंस पर अमन हॉस्पिटल चल रहा था, दोनों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। सीएमओ का कहना है कि अस्पताल संचालक कोई कागजात नहीं दिखा सका, अब आगे की जाँच व कार्रवाई पुलिस करेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज इलाके खबर की, जहां 2 संदिग्धों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ा लेकर हुई रवाना। बता दें कि शमशेरगंज बाजार में टहल रहे लीलापुर थाना क्षेत्र के 2 संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ लिया। इलाके में भीख मांगने वाले दोनों संदिग्ध जम्मू कश्मीर के रहने वाले बताए गए। उनसे 21,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। दोनों से लीलापुर में पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर के डांडी मडौल गांव के रहने वाले फजल हुसैन और अब्दुल मीत को पुलिस ने सोमवार शाम शमशेरगंज बाजार से हिरासत में ले लिया। चर्चा के मुताबिक पकड़े गए दोनों संदिग्ध 5 जनवरी को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के डांडी मडौल गांव से निकले थे। दोनों प्रयागराज पहुंचे थे, करीब 10 दिन से प्रतापगढ़ में भिक्षाटन कर रहे थे। रविवार रात में लीलापुर थाना क्षेत्र के हंडौर स्थित एक मस्जिद में रात्रि विश्राम भी किया था। सुबह शमशेरगंज की तरफ निकल गए थे। सोमवार शाम की पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए संदिग्धों के पास 21,000 रुपये बरामद हुए हैं। दोनों से थाने में पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस पकड़े गए संदिग्धों के बाबत कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लीलापुर थानाध्यक्ष नीरज यादव ने जानकारी देने से इनकार किया, तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 2 लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ा है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है।